मेंस का रिजल्ट आ गया था, तो उसके बाद आई स्टार्टेड कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन. उसके पहले मैं कुछ नहीं की थी, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा, लेट्स टेक रेस्ट. तो मैं आई वॉज टेकिंग रेस्ट ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो आफ्टर द रिजल्ट केम, आई स्टार्टेड अगेन ओपनिंग द बेयर एक्स, क्योंकि दे विल बी आस्किंग यू लॉ क्वेश्चन. ऐसा यस, दे चेक पर्सनैलिटी क्वेश्चन, बट इफ यू कैनॉट आंसर द बेसिक लॉ क्वेश्चन, आई डोंट थिंक देन इट विल बी एनीथिंग गुड. सो मैं बेसिक जो बेयर एक्ट था वो पढ़ना चालू कर दिया. आफ्टर दैट आई यूज टू फॉलो वेरियस इंटरव्यूज दैट आर अवेलेबल इन द यूट्यूब. तो उससे ऑलमोस्ट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट आर द क्वेश्चन दैट यूजली कम. बेसिक जो क्वेश्चन होता है, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द जुडिशियल सर्विस, ये सब मैं प्रिपेयर की थी. जैसे आप विच स्टेट यू बिलोंग, विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग, एंड मतलब ऐसे ही जो इज देर एनी थिंग यू वॉन्ट टू चेंज इन द जुडिशियल सर्विस, ये सब कॉमन क्वेश्चन प्रिपेयर की थी. एंड आई गेव मॉक इंटरव्यू ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू दैट आई यूज टू टेक कोचिंग. सो वहां जाकर आई यूज टू गिव मॉक इंटरव्यू ऑल्सो, एंड खुद मैं प्रैक्टिस करती थी मिरर के सामने खड़े होकर. तो दिस इज ओनली, एंड एक्चुअली दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनी वेयर. सो यू कैन देर इज नो लिमिट ऑफ नोइंग वॉट लाइक, सो कोई लिमिट तो नहीं है. तो इसलिए मतलब जितना हो सके लाइक अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो जगह मेरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डिड यू स्टडी लॉ आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, सो इसका आंसर मुझे पूछा गया था. फिर लॉ का बेसिक क्वेश्चंस वो भी पूछा गया था. फिर मुझे मैथ्स भी दे गिव मी वन प्रॉब्लम टू सॉल्व, मैथमेटिक्स मैथ्स टाइप प्रॉब्लम विच आई कैन नॉट. सो माई टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई इंटरव्यू वॉज नॉट दैट गुड. जो लॉ का क्वेश्चन था वही मैं खुद मतलब ये कर पाई थी, आंसर दे पाई थी. उसके सिवा जो क्वेश्चन था लाइक जो मैथ्स वाला प्रॉब्लम दिया गया था, दैट आई कुड नॉट आंसर. दे आई कुड नॉट इवन गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर टू द क्वेश्चन, व्हाई डिड आई स्टडी लॉ आफ्टर ज्वाइनिंग आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो इट वॉज नॉट सो गुड फॉर मी, एंड आई थॉट दैट मेरा ये नहीं होगा, दिस टाइम भी मेरा नहीं होगा एग्जाम, आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर. मैं मतलब निकलते ही आई टोल्ड माई पेरेंट्स माई फैमिली मेम्बर्स दैट इट वॉज नॉट दैट गुड एंड आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट, बिकॉज माई सच में आई कुड नॉट आंसर एनी अदर क्वेश्चन. लॉ रिलेटेड जो था वो मुझे लाइक सेक्शन 125 CRPC, देन बेल, ये सबसे पूछा गया था, एंटिसिपेटरी बेल, तो वो तो बेसिक क्वेश्चन था दैट आई कुड आंसर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कुड नॉट आंसर एनीथिंग. They, as another thing, they said that मुझे शोले मूवी से एक ये दिया गया था, सिचुएशन बोला गया था, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, तो वो भी मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा था वो सिचुएशन कहाँ हुआ था मूवी में. तो मुझे वो भी मतलब दे ट्राई टू मेक द सिचुएशन वेरी कम्फर्टेबल, बट साइमल्टेनियसली दे वो क्वेश्चन भी पूछते है, तो वो मेरा अच्छा नहीं गया था. एंड या इंटरव्यू मेरा जो मैं, क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज था, आई मीन सेकेंड लैंग्वेज बंगाली था, तो उस बंगाली में मुझे कुछ नहीं पूछा गया. बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, दोज वर नॉट हैविंग बंगाली इन देयर सेकेंड लैंग्वेज, दे विल बी आस्क्ड टू राइट एंड रीड बंगाली एंड स्पीक ऑल्सो. सो अदर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम लाइक हु आर हैविंग हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, दे शुड बी प्रिपेयर रीडिंग राइटिंग लाइक बेसिक, नॉट दैट यू हैव टू राइट वेरी वेल बंगाली, बट बेसिक रीडिंग you should do from the newspaper, writing as well as speaking in Bengali, they will be judging you.